लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लागत है गोपी का खाना नहीं आया आज। हाँ लगता तो है। उनको भी पूछ लो। अरे ओ गोपी भैया, अरे भाई तुम्हारा खाना नहीं आया तो हमारे साथ खाई ले। अरे ना ना काका, बहन खाना लेकर आती होगी राधा, ये समझो कि आ गई। आज राधा नहीं आएगी, आज राधा नहीं आएगी, आज राधा नहीं आएगी। अरे भूख के मारे हमारा हिसाब किताब बिगड़ा हुआ है, तू इतना लहरा कहाँ रहा है अबे? बहुत भूख लगी है, जान जा रही है। वेरी गुड, उधर देख। मैं चला, मैं भी चला। मनचला भैया, पड़ोस के गांव में मैंने जो लड़की देखी है, आहा, अरे पूछो मत भैया, उसकी लाइफ बना देंगे। अरे पंडित जी आ गए। अरे पाए लगे पंडित जी। जीते रहो। ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे हीरा लाल है ना, उसकी बेटिया मनोरमा, उसके घर जाते हैं। उसके घर क्यों जाते हैं? अरे उसके लिए शादी के रिश्ता लाए हैं। ये देखो पड़ोस के गांव के सीताराम और उनका लड़का किशन। शादी करेगा, कितना अच्छा लड़का है। पंडित जी जरा इधर आइए। अब मैं आपको क्या बताऊं, वो मनोरमा है ना, वो अंदर सो रही है, रात भर जगी थी ना। कहे हर दूसरे तीसरे दिन घर में आ जाती है। तो मैं काम करो, इनको मंदिर लेके जाओ, मैं मनोरमा जी को घर पहुंचा देता हूँ। अगर आप लोग कहे तो मैं उसको यही बुला लूँ। अरे ठन्नी जरा मनोरमा जी को उठा ना। चवन्नी जा बुला के ला। पंडित जी कौन जरूरत नहीं है, लड़की हमने देख ली है। चल बचा, चल। रुको, रुकिए रहमान, रुकिए, लड़के की लाइफ बन जाएगी। अरे ठहरिए, मैं राहू हुआ, अब तेरा क्या होगा? गोपी भैया ये देखो। अरे गोपी भैया मिल गए। गोपी भैया, गोपी भैया, जब देखो लल्लो चप्पू लगा रखा है मनोरमा। लल्लो चप्पू नहीं है, वो मन चला है ना। हाँ। अरे जो भी पंडित हमारे लिए रिश्ता लेकर आता है वो हराम खोर, उन्हें उल्टा सीधा हमारे बारे में बोलकर उनको भगा देता है। हमको बदनाम करके रखा है भैया। अब हमारी शादी नहीं होगी, हमसे कोई शादी नहीं करेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, चलो हमारे संग आओ, देखते हैं साले गांव। अबे ओ ठल्ली। जी सरकार। ये फूल कहाँ से लेके आया? जहाँ से हमेशा लेकर आता हूँ सरकार। फिर इसकी खुशबू क्यों नहीं आ रही? इसकी खुशबू से तो मुझे जुकाम हो गया सरकार। फिर इसकी खुशबू सुनकर पास के गांव की लड़कियाँ क्यों नहीं आ रही? अरे पहले इसकी खुशबू गांव तक फैलने तो दो। खुशबू फैल के लगता है। मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगी। चल हट, काम की बात कर। काम की बात बाद में करेंगे, पहले ये फूल तो स्वीकार कर लो। हाय दया, बड़ा चालाक है रे तू, नकली फूल देकर पूरा गुलदस्ता लेना चाहता है। हमें फूल नहीं चाहिए, हमें तो समझ गया, ये फूल वाली नहीं है, ये तो नोट वाली है। नोट वाली, ये ले नोट, मैं तेरी लाइफ बना देता हूँ, चल खेतों में। चल बना लाइफ। बना। अरे नहीं, अरे मर गया, अरे बचा लो। मन चला है, किधर चला? अरे कहीं नहीं है, चला भी हमरे संग पंडित के पास। तू भी चल मन्नो, आज ही शुभकामना हमारे हाथों से कर डालते हैं। गोपी भैया ये शादी नहीं हो सकती। काहे? क्योंकि पंडित ने मेरी कुंडली पढ़ के बोला था कि 5 साल के अंदर मैं जिस लड़की के साथ भी शादी करूंगा ना, वो लड़की मर जाएगी। हा? पंडित ने बहुत गलत बोला था, अगर शादी नहीं किया ना तो तुम 5 मिनट में मर जाओगे। बुझला का नहीं, इसको हटाओ ना। एक बात ध्यान रखो, मनु हमारी बहन जैसी है, इसको जरा भी धोखाधड़ी किया ना तो। हाँ समझ गया भाई, समझ गया। ये तुम्हारी बहन जैसी है ना, तो मैं तुम्हारा क्या लगा जीजा, तुम मेरे क्या लगे साले 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 साले। जब तक रहेगा समोसे में आलू, मैं बनके रहूंगा तेरा भालू। अब कौन सा नया चमत्कार दिखाने वाली हो मधुबाला, कुछ और बचा है क्या दिखाने के लिए? अरे वाह 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 वाह, ये कहाँ आ गए हम? हैं? इनको तो देखो कपड़ा उड़ा जा रहा है, ये पोज मार रही है। मजाक मत करो, ये बताओ कैसा लग रहा है? गजब है क्या? देखो ये स्टैच्यू, ये सोफा सेट, सारी पुरानी चीजें निकाल कर मैंने नई चीजों से घर को सजा दिया है। अच्छा लग रहा है ना? पहले घर में घुसते थे तो बहुत ही आदर और सम्मान की भावना जगती थी, अब घुसा करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी 5-स्टार होटल में घुस गए। यहाँ पर हमारे पिताजी की तस्वीर हुआ करती थी, वो कहाँ गई? पुरानी हो गई थी, मैंने गोदाम में रखवा दी। चलो जिस दिन तुम पुरानी हो जाओगी तुमको भी उठाकर किसी गोडाउन उड़ाउन में फेंक डालेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? आशीर्वाद था वो हमारे पिताजी का, तस्वीर नहीं थी, तुमने उसको उठाकर गोडाउन में कैसे फेंकवा दिया? जब पिताजी नहीं रहे उनकी तस्वीर का क्या करना है? एक तमाचा मारेंगे, खोपड़ियां घूम जाएगी तुम्हारी। चलो ले आकर तस्वीर लाकर दे लगाओ वापस से।
तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? गोद में उठाकर प्यार करने वाली हरकत नहीं है तुम्हारी। मारो मारो मुझे। ए, मधु देखो जा, दिमाग खराब मत करो हमारा, वरना पूरा प्लास्टर खराब कर डालेंगे हम तुम्हारा। क्या करोगे, मारोगे ना मुझे? मैंने इतने प्यार से घर को सजाया, सोचा कि तुम खुश हो जाओगे और मेरी तारीफ करोगे, और तारीफ के बजाय तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। मैं अभी अपनी मम्मी के पास चली जाऊंगी। तेरी मम्मी क्या इसी से मारे? तुम्हारी मम्मी ने तुमको बिगाड़ रखा है साला, हमको अपने बाप की तरह लल्लू मत समझना। साला उठाकर हमारे बाबूजी की तस्वीर गुदानों ने खोल डाली और इधर लाके मुर्गा सजा दिया। बताओ साला, अजायब घर बना दिया हमारे घर को। ये जितनी तस्वीरें सबके सब नंगी पुंगी है, ये गुदाम में रखने लायक भी नहीं है। ए मत चला, इधर आ। देखना, इन्हीं का सपना था मधु को बहू बनाने का, और आज इसी मधु ने उनकी उनकी तस्वीर उतार दी। आंसू भाई की काहे रो रही हो? हम अभी मधु को लेकर आते हैं, लाकर तुम्हारे चरणों में पटक देते हैं। माफी मांगेंगे तुमसे वो? नहीं, वो बेचारी नादान है। अरे नादान है तो क्या पूरे घर में आग लगा देगी तो हम खड़े रहकर तमाशा देखेंगे? अरे नहीं बेटा, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। बड़ों का आदर करना शायद उसकी माँ ने ही उसे नहीं सिखाया है। चल जाने दे। क्या जाने दे? अरे जाने दे। क्या अच्छा खासा झाड़ के आया उसको? क्या हम जा, प्यार से मना उसे। अरे कोई मनाने वाला नहीं, वाला नहीं। जा। अरे अरे तेरी तो ले, अपने घर में चोरों की तरह आ रहे हैं साला। ये सारी औरतें पलम पे क्या रोती हैं यार? सुनो ना, ये सारी औरतें पलंग के ऊपर तकिया पकड़ के काहे रोती है यार? अच्छा सुनो सुनो सुनो, हमने अपनी सारी गलती मान ली है, सारी गलती हमारी है, ऑल माय मिस्टेक। तुमने तस्वीर हटा दी थी, हमको दोबारा लगा डालनी चाहिए थी। हमको की जरूरत थी अपनी पत्नी का मन दुखाने की, खा मखा इतनी तो तुम्हें करनी। अच्छा मत रो अभी इतना, आई एम सॉरी यार। ए भैया, मधु के माता पिता आए हैं। हम अपनी मुंडी भिजवाते हैं, उनको हमारे सर पे बैठा दो। अरे इस तरह सुझाओ मुंह लेकर जाओगी तो मालूम है तुम्हारी मम्मी क्या बोलेंगी? माय डियर बेबी, व्हाट हैपेंड? मम्मी मम्मी, गोपी बीट गोपी, यू ब्लडी फूल, माय फूल सी बेटी, यू मेरे गोपी का फूल। देखिए क्या हो रहा है। सारे मर्द हमारी तरह थोड़ी होते। यू शट अप बेटी, उठाओ बेटी और निकलो इस घर से। नहीं मधुबाला, हमको छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बगैर हमारा वो हाल हो जाएगा जैसे बैल के बगैर बैल गाड़ी, खड़े खड़े सड़ जाएगी भैया। देखा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बंजर जमीन के ऊपर फसल लहरा रही। सन सन नन साए साए। आओ। ब्यूटीफुल, वंडरफुल, देखा आपने, मेरी बेटी ने ये घर अपने ढंग से बनाया है। जाहिर बात है, घर बनाना और घर बिगाड़ना तुम लोगों से ज्यादा कौन जान सकता है। तुम्हारी ये ताना देने की आदत में। ओह मधु बेटी, ओह माय डार्लिंग। प्रणाम सर। अरे पांव छू रहे थे हम। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओह माय बेबी। प्रणाम। अरे तूने तो इस घर का नक्शा ही बदल दिया, अब तो यहाँ बैठने का भी जी कर रहा है। जब उस दिन यहाँ आए थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि भैंस के तबेले में आ गए हूँ। नहीं, भैंस तो अभी भी है यहाँ पर। क्या कहा, तुम्हारी ताना देने की आदत कभी नहीं जाएगी। गाली नहीं दे सकता, कम से कम ताना तो देने दो। ताना तो देने दो। ये लो मधु बेटी, बर्थडे प्रेजेंट। हम तुम्हारी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं ये एडवांस में प्रेजेंट दे रही हूँ। अरे नहीं मम्मी, इसकी क्या जरूरत थी? व्हाट? ले लो बेटा, पहला प्रेजेंट है। अरे प्रेजेंट तो पहला मिल चुका है हमको। ये नहीं दिया होगा ना, उधर देखो बेटी, वहाँ मेरी तरफ क्या है। अरे मधु बेटी, तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स इंडिया आए हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं और खास तौर पर तुम्हारी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना चाहते हैं तुम्हारे साथ। अगर तुम कहो तो उन्हें तुम्हारा एड्रेस दे दो। अरे आने दीजिए ना, मेहमान तो भगवान समान होते हैं। हाँ हाँ चलिए। अरे ऐसे कैसे कुछ खाए पिए बगैर जा सकते हैं आप? थोड़ा सा रुक जाइए ना। ले जाने दो, थोड़ी देर और रुकेगी तो घर में आग लगा दी। आइए छोड़ देता हूँ। तुम अपनी जबान को लगाम दो। लगाम तो मैंने शादी वाले दिन ही लगा दी। चलिए। मधु जी जन्मदिन मुबारक हो आपको। थैंक यू। माँ जी ने पूजा के वास्ते बुलाया आपको। Happy birthday, Madhu. Thank you. Congratulations, Thank you. Madhu. Thank you so much. Happy birthday, happy birthday. Many happy returns of the day. Thank you. Oh God, I can't believe it. You must believe it. अरे आपने तो कमाल ही कर दिया. आप तो यहाँ घूमने आई थी और चुपचाप शादी भी कर ली. अरे नहीं यार, you know what happened? चट मंगनी और पट गया. अरे हाँ, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है मधु?
Where's your husband? Where is he? गोपी भैया, गोपी भैया, गोपी भैया, गोपी भैया, गोपी भैया, गोपी भैया, वो मधुआ भैया ना शराब पी रही है। कहाँ बात कर? और शराब पी कैसे ऐसे करके कुछ डिस्को डिस्को कर रही है यहाँ। हाँ ऐसे ऐसे कुछ बॉडी बॉडी हिला के ऐसे कुछ कर रही है वो। चाची अगर ये लोग सिंगापुर से आए तो ये भी बनारस आए। साला हमारे मंदिर जैसे घर को पवित्र कर दिया, जानवर उजट कहीं के टांग पे टांग रख के चीड़ाने के साले। क्या भैया तुमको ये डिस्को लगता है? हैं डिस्को लगता है तुमको? डिस्को लगता है साला? इज्जत का बंटाधार कर दिया हमारे। इज्जत माय फुट गोपी। हाथ उठाती है साली। तुमने मुझे मारा और मेरे फ्रेंड्स की इंसल्ट की। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लिसन, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्या करोगी? कहाँ जाओगी? आए मैं अपनी मम्मी के पास चली जाऊंगी। मम्मी के पास? हाँ। जाओगी? ठंडा कहाँ है? चलो तुम मम्मी के पास जा ही रही हो तो तुम्हारा आज कामयाब पूरा कर डाले। मम्मी तुम्हारी ऐसी की तैसी। बेटा मधु अभी नादान है, बहुत गलतियां करेगी। तुम तो समझदार हो, उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देना। अच्छा ठीक है ठीक है। आई एम सॉरी। जरा नाटक तो देखो इनका, इतनी बड़ी गलती की, ऊपर से समझाने के ऊपर हम ही विलन बन गए। ये देखो पूरे घर में साला दारू ही दारू। राम 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 राम। ठीक गोपी, गोपी मधु अपने कमरे में नहीं है। देखो वहां टेरेस पे हो। हमने चारों तरफ देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। कहां कहीं है तू?